Double MG, the mother niggas fell off. Baby girl, I just wanna see you well off. Call me crazy shit, at least you call me. Feels better when you let it out, don't it, girl? No, it's easy to get caught up in the moment, When you say it cause you mad, and you take it all back. हेलो जी वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रोड से न्यूएस उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हो बढ़िया हो मस्त हो मैं भी ठीक हूँ मस्त हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ मैं बैठी हूँ बेडरूम में एक्चुअली वीडियो एडिटिंग करने के लिए मुझे ना रात में ही टाइम मिलता है तो सारे क्लिप्स डालने से पहले मैं आजकल सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं खुद आपके साथ इंटरेक्ट हूँ उसके बाद सारे क्लिप्स आते रहेंगे तो आज का व्लॉग में वीकेंड का व्लॉग रहने वाला है कि वीकेंड में कैसे कैसे भागम भाग होता है क्योंकि ना सभी के लाइफ में वीकडेज फिक्स्ड रूटीन रहता है तो वो तो हो जाता है ठीक से पर वीकेंड के लिए ना एक तो हम लोग रिलैक्स से रिलैक्स रिलैक्स मूड में चले जाते हैं फ्राइडे इवनिंग से ही और सैटरडे मॉर्निंग लेट होता है फिर एक्स्ट्रा काम बहुत सारे आ जाते हैं और उसमें भी कुछ ओकेजन्स आ गए कुछ फेस्टिवल्स आ गए तो और भी वाट लग जाती है तो मेरा भी कुछ ऐसे ही वीकेंड रहने वाला है ये वाला तो आप ज़रूर देखना वीडियो पूरा वीडियो देखना और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है किए होंगे तो ठीक है अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर करना ही है ठीक है बस मोटिवेशन मिलेगा चलिए आज का वीडियो देखते हैं वीकेंड का सबसे पहला प्रोग्राम है हेयर ऑयल बनाओ नॉर्मल वाला कोकोनट ऑयल मैं सिर्फ यूज़ नहीं करती हूँ उसके अंदर बहुत सारे सामान मेरे जाते हैं एक ही बार बना के रखती हूँ जस्ट फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी डेज फिर वो अप्लाई करते रहती हूँ तो उसमें जा रहा है फर्स्ट प्योर कोकोनट ऑयल भिगोए हुए मेथी के दाने और आ, अनियन और करी लीव्स का पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास करी लीव्स है तो आप वही यूज़ कर सकते हो उसके बाद सीड्स उसके बाद आमंड वो भी मैं सोक करके रखी थी और ही बिस्कट फ्लास है ड्राई वाले और लास्ट में जो है आमला पाउडर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आयन वाला तवा लोखंड का तवा ये बहुत ज़रूरी है इसमें बनाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ऐसा कहना है तो ये मैं जरूर यूज़ करती हूँ तो आपके पास रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं जो भी है उसी में बनाना क्योंकि ऑयल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आ, सिर्फ कोकोनट ऑयल से आजकल कुछ नहीं होने वाला इतना सब डालेंगे तभी थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट आ जाता है तो ये सारे मैं एक साथ मिक्सी करके ले रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ ये एक राउंड ग्राइंड करके हुआ है अभी इसके बाद नेक्स्ट बचा है अनियन और करी लीव्स इन दोनों को एक साथ कर देती हूँ बस अभी तीनों चीज़ रेडी है कोकोनट ऑयल और जो भी दो अलग अलग मैंने ग्राइंड करके लिया था वो अभी यहाँ पे तवा एकदम गरम हुआ है तवा यानी कि कढ़ाई गरम हुआ है उसके अंदर पहले जा रहा है अपना कोकोनट ऑयल वो थोड़ा सा मेल्ट होने तक मैं वेट करूँगी अच्छे से मेल्ट होने के बाद जो भी सारा इन्ग्रीडियट्स हैं उसमें डालूंगी डालने के बाद कम से कम एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स तो मैं बॉयल करती हूँ उसको ये वाला हेयर ऑयल जब भी बनाती हूँ ना तो मम्मी के ताने जरूर याद आती है मुझे क्योंकि ना जब से मुझे समझ आया है स्कूल डेज में पूरा मेरा कॉलेज मैंने खत्म किया पर मैंने कभी भी मम्मी को अलाउ नहीं की मेरे हेयर्स में ऑयल लगाने का क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था हमेशा मेरे बाल खुले रहे और अच्छी अच्छे से अच्छी दिखूं मैं बस एक ही रहता था दिमाग में तो अभी एक ऐसा टाइम है कि मैं खुद के लिए केयर लेने के लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ पर मम्मी को तो बहुत याद करती हूँ यार पर मम्मी अब तो खुश है मेरे बालों को लेके ना मम्मी बहुत खुश रहती है जो उसको मेरे बचपन में देखने का इच्छा थी वो मैंने कंप्लीट नहीं की पर अब तो खुश रहती है मम्मी बस अभी ये बन के रेडी हुआ है जैसे ये फेज आएगा ना तो उससे समझ जाना कि बन के रेडी हुआ है इसको ठंडा करना है और फिल्टर करके एक कंटेनर में निकाल के रखना है बस लगाना है आप खुद ही बोलेंगे मुझे कि हाँ सच में इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है ऑयल बन के रेडी हो गया उसके बाद लंच प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि वीकेंड है ग्रॉसरी लाने के लिए मुझे बाहर जाना है तो घर से खा के निकलूँगी तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहूँगी बाहर का इसीलिए नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल हूँ डाइट पे तो अपना घर का जो ज्वार का रोटी एक नॉर्मल सा एक हरी सब्जी बनाए खाए और निकले मेथी इतना अच्छा लगता है ना मुझे कोई भी सब्ज़ी मैं बनाऊँ जब तक मेथी का सीजन कंप्लीट नहीं होता है हर सब्जी में मेथी को जाना ही है तो अभी आज मैंने बनाया है बीन्स और मेथी का कॉम्बिनेशन करके बनाई थी ऑसम बनाया था आप लोग भी ट्राई करके देखना तो चलिए वीकेंड का फर्स्ट फॉरा शॉप रहेगा कॉस्को होल सेल यहाँ पे हम एवरी वीकेंड आते हैं इस शॉप में अगर आना होगा ना तो मेम्बरशिप की जरूरी है वो लोग एक कार्ड देते हैं आपको वो कार्ड यहाँ पे गेट पे दिखाना पड़ेगा तभी एंट्री मिलती है इस शॉप में होलसेल के रेट में सब कुछ मिलता है कपड़े फ्रिज वॉशिंग मशीन स्किन के प्रोडक्ट्स मेडिसिन और फ्रूट्स वेजीज और सारे ब्रांड के कपड़े मतलब ना एक बार अंदर आ जाओ तो आपके पैसे निकलने हैं मतलब निकलने ही हैं विदाउट वि, मतलब सिर्फ विंडो शॉपिंग करके आप बाहर जा सकते हो ऐसा होगा ही नहीं इस शॉप में आओगे कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है हम यूजुअली हाँ तो यहाँ पे लॉकर दिखा रही थी मैं एक्चुअली लॉकर की तो हमें यहाँ जरूरी नहीं है हम लोग सीसीटीवी कैमरा घर पे भी और बाहर भी लगा के रखते हैं तो सेफ ही रहता है हाँ तो मैं बोल रही थी ना किचन के अप्लायंसेस सब मिलते हैं जो भी आपके घर पे यूज़ करना होगा और वो लोग आके शायद इंस्टॉलमेंट पे आपको करके देते हैं इस शॉप का एक और ख़ासियत ये है विद इन नाइन्टी डेज मींस थ्री मंथ्स के अंदर अंदर आप ना कोई भी चीज़ रिटर्न भी कर सकते हो जो भी आप लिए हो अगर आपको अच्छा नहीं लगा या फिर खराब हुआ होगा कुछ भी हुआ होगा ना तो विद इन थ्री मंथ्स आप विथ रिस आके रिटर्न कर सकते हो कपड़े जेंट्स के लेडीज़ के किड्स के सारे कपड़े सीजन वाइज अवेलेबल रहते हैं और फ्रूट्स सेक्शन में अभी मैं आई हूँ फिलहाल ये है फ्रेश प्रोड्यूस यहाँ पे ठंडा रहता है अंदर जाने को इट्स लाइक अ फ्रिज सारे चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे स्वीट कॉर्न ब्रोकली मशरूम्स चॉप किए हुए सब्जी और सीज़न वाइज फ्रूट्स रहते हैं, चेरीज स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरी ब्लैकबेरी और बेबी स्पिनेच जो मैं यहाँ पे एवरी वीकेंड मेरा शॉपिंग रहता है बेबी स्पिनेच लेना और दूध और पनीर यही ज़्यादातर तो इसी के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और सैलड के आइटम्स भी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे सिर्फ सैलड के ही नहीं कॉस्को में आप जो कुछ भी लोगे ना बहुत सुपरे हाँ मुझे यहाँ पे ना कोरिएंडर दिख रहा था जो कि अमेरिकन वाला है इंडिया का नहीं तो कुछ भी लो भाई आप ये इस शॉप में ना एकदम सुपीरियर क्वालिटी रहता है ये है अभी दूध का सेक्शन इतनी वेराइटीज़ ऑफ मिल्क है ना यहाँ पे कि फुल फैट लो फैट आलमंड मिल्क और सोया मिल्क और ओट्स मिल्क को क्या कुछ नहीं मिलता है ओह माय गॉड मतलब आपको एक राउंड में इस रूम में भी दिखाऊंगी ये भी फ्रिज है ये इसके अंदर आते ही ना ठंड लगती है मतलब एक थिन जैकेट तो पहनना ही है समर में आओ विंटर में आओ इस इसमें ठंड लगती है एग्स भी रखे रहते हैं और एग्स व्हाइट जो मिलता है वो रखे रहते हैं जो भी फ्रिज का आइटम है वो सब आपको यहां पे मिलेगा यह है पानी का सेक्शन और टिश्यूज किचन टिश्यूज हो वॉशरूम के हो जो कोई भी हो सारे वो उसके बाद है जूसेस का सेक्शन उसके बाद है वाटरमेलन आए हुए सीजन चल रहा है वाटरमेलन का इतने बड़े बड़े वाटरमेलन थे ना ये तो ख़त्म ही नहीं होते मैं सिर्फ दिखा रही हूँ मैंने तो लेने का मेरी हिम्मत ही नहीं होती है इसी में छोटे वाले भी आते हैं तो मैं हमेशा छोटे लेके आती हूँ पर ये बड़े वाले नहीं कुछ कुछ ड्रिंक्स यानी कि वाइन्स भी उनके यहाँ अवेलेबल है और बस बिलिंग सेक्शन पे लग गए सेल्फ चेकआउट में जाते हैं क्योंकि कम सामान है आज के दिन तो हमारे पास आ, अगर ज़्यादा सामान रहेंगे ना तो आपको उनके यहाँ चेकआउट के लिए जाना पड़ता है अगर कम होगा तो उधर और यहाँ पे खाने के लिए भी इंतज़ाम रहता है पिज़्ज़ा वगैरह आप खा सकते हो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकता है बैठने के लिए भी अरेंजमेंट करके रखा था उन्होंने बस कॉस्को तो ख़त्म हुआ कॉस्को से घर आ गई ये है नेक्स्ट डे का वीडियो ये है साफ़ सफाई करने वाले जो डस्टबिन कलेक्ट करने के लिए आते हैं जो कचरा कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना अपना इंडिया में जैसा घंटा गाड़ी बोलते हैं जो बेल बजाते रहते हैं ऐसे यहाँ पे भी ना दो डब्बे अलग अलग दिए हुए हैं एक ग्रीन एक येल्लो ग्रीन वाला जो रहता है उसमें वेट डालना है जो येल्लो वाला है उसमें ड्राई डालना है दोनों एक साथ ला रख दो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके वो पिकअप करते हैं वेट वाला हो गया अब ये ड्राई वाला है वेट वाला तो बंदा अपना अपना ले रहा था ना ये वाला बहुत मजा आता है मुझे देखने इनका इतना मतलब ना मैन पावर बहुत कम यूज करते हैं इनके मशीने बहुत ज्यादा काम करते हैं ना जिस तरीके से उठाएगा अभी ये डस्टबिन वाह <laughs> पकड़ लिया <laughs> ये डस्टबिन ना यहाँ पे वीडियो में बहुत छोटे दिख रहे हैं। पर इतने बड़े बड़े डस्टबिन है ना ये पूरा वन वीक का हम लोगों को जमा करके रखना पड़ता है सिर्फ वीकली वंस आके कलेक्ट करते हैं ये लोग तो इसी वीक में वट पूर्णिमा भी आया था ना वट पूर्णिमा के लिए जो पूजा पाठ करना होता है उतना मैंने किया यहाँ पे तो वट का वृक्ष तो नहीं मिलता है तो मैंने उनका फोटो प्रिंट आउट निकाल के उन्हीं का पूजा करते आई हूँ जब से यू में आई हूँ तब से पर इस ओकेजन पे तो बेस्टी को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मैं ये फेस्टिवल ये पूजा खास करके पतिदेव के लिए होता है ताकि अगले जन्म अगले सात जन्म तक यही पति मिले यही सुख यही सौभाग्य मिले तो मैं भी वही प्रे करते हुए आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट, शेयर करना सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर